हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री डैक्टिक्स। हमने केमिकल काइनेटिक्स के कई सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर के भी करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लिनमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन देखी थी। ये थ्योरीज किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम? ताकि हम रेट फाइंड आउट कर सकें। पूरे केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे चेंज होता है, विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या फिर कोई ऑर्डर रिएक्शन का चेंज कर दें तो कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पर सब कुछ जो है रेट पे ही डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर राइज कर दें तो क्या हो जाता है रेट पे, तो ये सब रेट का ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब, यहाँ पर पढ़नी है अपनी नेक्स्ट थ्योरी। इसमें देखते हैं हम कि रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखो थोड़ा सा हम रिकैप में जाते हैं कि हमने लिनमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना, आप पढ़ लेना उसको, क्योंकि लिनमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि रिएक्टेंट था हमारा एक, उसने हमारा क्या किया था, यहाँ पर इस तरीके से कुछ था कि रिएक्टेंट था, उसने कोई एनर्जी एक्वायर की, यहाँ पर एक स्टेट बन गई, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। तो ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, यहाँ पर एक स्टेट बन गई थी, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इंटरमीडिएट बना था हमारा एक, तो वो हमारा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना था, ठीक है ना। इंटरमीडिएट पे जो बन रहा है हमारा वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा था, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है ये वाली। अब यहाँ तक आने के लिए क्या हुआ था, कैसे आया था ये, जब हमारे कोलाइड करा था पार्टिकल्स ने, तो तब वो हमारे कोलाइड करके उस एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच गए थे ऊपर लेवल पे, ठीक है ना। अब इसके बाद दो चांसेस थे उनके पास, या तो वो डीएक्टिवेट हो जाएं या डिकम्पोज हो जाएं। अब डीएक्टिवेट कब होंगे वो, जब हमारे वो पूरी तरीके से वापस आ जाएंगे। जैसे कि जैसे हमारा रिएक्टेंट आगे बढ़ा है, इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, तो उस इंटरमीडिएट से दोबारा रिएक्टेंट बन जाए, तब तो वो डीएक्टिवेट होते हैं। ये वाला स्टेप हमारा हाई प्रेशर पर होता है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पे हमारा ऑर्डर क्या आता है, कम ऑर्डर आता है, ठीक है, इसलिए ज़ीरो ऑर्डर आ जाएगा वहाँ पर। और हाई ऑर्डर अगर हमारा लो हाई प्रेशर होता है तो क्या होता है हमारा, सॉरी हाई प्रेशर पे तो ये हो गया, लो प्रेशर होता तो क्या होता, डीकम्पोजिशन हो जाता। तो डीकम्पोजिशन से हमारा क्या हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है, देखो आपको अभी समझ नहीं आएगा अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, एक बार देख लो, जाकर चेक कर लो उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि कौन सा हमारा लो प्रेशर होता है, कौन सा हाई प्रेशर होता है, कौन से का ऑर्डर कौन सा होता है, डीकम्पोजिशन डीएक्टिवेशन दोनों स्टेप अच्छे से पता होने चाहिए। तो चलो ये तो उसकी बात हो गई है। अभी हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या होगा, इसमें भी देखो क्या होगा। यहाँ पर हमारे कुछ रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो हमारे क्या करेंगे, उसमें तो कोलिजन हुआ था तब जाकर वो हमारे एक्टिवेशन एनर्जी को उन्होंने गेन किया था, तब जाकर वो यहाँ तक पहुँचे थे। अब क्या होगा, ये एक्टिवेशन, ये एक्टिवेटेड तो हो जाएंगे, लेकिन कैसे होंगे, बाय वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर एक टर्म यूज़ होगी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की हेल्प से क्या होगा, ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक मान लो हम ए और बी दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे ए बी हैशटैग जो हैं दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली स्टेट होती है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, और ये स्टेट हमारी हाई एक्टिवेशन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई है, तो इसकी स्टेबिलिटी तो कम ही होती है, तो ये लेस स्टेबल होता है। तो यहाँ भी हमें सेम यही काम करना है कि हमारे पास एक तो इसमें चेंज क्या होगा लिनमैन थ्योरी से, कि इसमें हमारी यूनिमोलिकुलर नहीं है, तो एक ए है और एक बी है। एक तो बात यही होगी, पहली बात तो यही होगी कि ये बाईमोलिकुलर हो गई, ठीक है, तो उससे अलग ये हो गया इसमें। दूसरा इसमें क्या अलग चीज़ हो गई कि इसमें ना, उसमें तो हमारा कोलिजन हुआ था तब जाकर एक्टिवेशन एनर्जी मिली थी, यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होगी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी।
वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें क्या हो रहा था, कोलिजन्स इंक्रीज हो रही थी एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो इसमें ये चेंज हो गया कि यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो इसमें ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, फाइनली आपको ये बताना है कि रेट क्या होगा। देखो जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो होती है हमारी KVT बाय H, H प्लैंक कांस्टेंट, T टेम्परेचर और KV बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी अभी तक की। अभी यहाँ पे ना डायरेक्ट हम लिख लेते हैं कि KR क्या होता है हमारा, जो रेट होता है ना इस वाले स्टेप में, वो ये होता है KBT बाय H e टू द पावर डेल्टा SH हैश टैग बाय RT e टू द पावर डेल्टा S हैश टैग बाय R, ये होता है, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, ये इक्वेशन होती है, इसको हम बोलते हैं आयरिंग इक्वेशन। देखो पूरा सॉल्यूशन आपको देखने की नीड नहीं है, पूरा डेरिवेशन करने के लिए नहीं आता है एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको क्वेश्चन करने हैं। ये भी बता दूं कि ये वाले फॉर्मूले ना गेट एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं इससे क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको ज़रूर याद करना होगा, ये तो करके ही जाना है आपको गेट एग्ज़ाम में, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो ये आयरिंग इक्वेशन है। अब हो सकता है आपको यहाँ से रेट फाइंड आउट करना हो, तो आपको ये दे रखा हो डेल्टा एच दे रखा हो। अच्छा यहाँ डेल्टा एच और एस क्या है, डेल्टा एच जो है हमारा चेंज इन एंथैल्पी और वो भी किसके लिए, ट्रांजिशन स्टेट के लिए, क्योंकि हैशटैग आ रहा है ना, ये हैशटैग का मतलब है कि ये सब बात जो है इस वाली स्टेट की हो रही है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे कितनी आपकी एंट्रोपी है, कितनी एंथैल्पी है, तो डेल्टा एस क्या होगा हमारा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, या एक्टिवेशन स्टेट। तो ये हमारा हो गया इतना। आर हमारा यहाँ गैस कांस्टेंट है ही, टी टेम्परेचर है ही, KBT बाय एच हमारा ये पूरा जो है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी दे सकते हैं और आपको KBTH की अलग अलग वैल्यूज़ भी पता हो सकती है। KB और H की तो वैल्यू चलो जो भी होती है आपको पता ही है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर अलग से दिया होगा, तो क्वेश्चन में इस तरीके से आता है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले को पता होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना है। अब दूसरी चीज़ देखो, अब इसमें एक बात और बता दूँ मैं आपको कि इस फॉर्मूले को ना हम एक और स्टेप से लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको डेल्टा एच हैशटैग की वैल्यू पता होनी चाहिए। डेल्टा एच नोट हैशटैग की वैल्यू क्या होती है, ये होती है डेल्टा ई ए हैशटैग प्लस डेल्टा एन जी हैशटैग RT, ये होनी चाहिए। अब यहाँ डेल्टा एन जी हैशटैग और ये डेल्टा ई ए हैशटैग आ गया, तो ये क्या होते हैं, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है कौन से स्टेप की, इस ट्रांजिशन स्टेट की जो ये वाली है, ठीक है। और डेल्टा एन जी हैशटैग क्या होता है, इसको लिख सकते हो आप चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जो गैसेस स्पीशीज होंगी आपकी उनमें जो चेंजेस आते हैं वो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मान लो ये एक क्वेश्चन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, गैस है, CO2 बना रही है गैस। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी हैशटैग अगर आपको कोई बोले कि बताओ क्या होगा, तो इसके मोल्स कितने हैं, 1 माइनस इसके कितने हैं, 1, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो सॉलिड स्टेट में है, कार्बन हमारा गैसेस फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस 1 आ गया 0। तो इसके लिए डेल्टा एन जी हैशटैग की वैल्यू आ गई 0। पर मान लो कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता हमारा जो गैसियस होता, मान लो कोई भी एक्स जो गैशियस होता, तो यहाँ पर अब क्या होती है हमारी डेल्टा एन जी हैशटैग की वैल्यू, डेल्टा एन जी हैशटैग होता यहाँ पर 1 माइनस 1 और 1 2, तो ये आ जाता माइनस 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो सकता है, तो इसकी वैल्यू भी पता चल गई। अब इसकी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें जो अभी हमने लिखी है, तो क्या आएगा देखते हैं। इसी वैल्यूज़ को जो ये दी गई है, इन्हीं वैल्यूज़ को हमें पुट करना है। अब एक चीज़ और है, उससे पहले
ये जो डेल्टा ईए हैशटैग है इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो ये होता है हमारा ईए माइनस आरटी, ठीक है। तो ये होती है हमारी डेल्टा ईए हैशटैग की वैल्यू। आपको बस ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए अलग अलग। अगर आपको ये वैल्यूज़ पता है अलग अलग तरीके से तो आप निकाल सकते हो सारे फॉर्मूलेस, ठीक है ना। तो डेल्टा ईए हैशटैग की वैल्यू होती है ईए माइनस आरटी। ये कैसे आया है कैसे नहीं, इसका बहुत लॉन्ग डेरिवेशन है, उस पर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली याद रखो। तो यहाँ से जो के आ गया अब हमारा के आर, वो कितना आएगा, के बी टी बाई एच ई टू द पावर, यहाँ माइनस डेल्टा एच हैशटैग था ना, उस पूरे की जगह इस वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं हम, हैशटैग प्लस डेल्टा एन जी हैशटैग आरटी, ये लिख सकते हैं डिवाइड बाय आरटी और ई टू द पावर डेल्टा एस हैशटैग बाय आर, इसको तो चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह हमें ई ए माइनस आरटी लिखना है, तो ई की पावर रख दो ई ए माइनस आरटी प्लस डेल्टा एन जी हैशटैग आरटी, ये वाली चीज़ यहाँ चली रही है के बी टी बाई एच, यहाँ पर भी सेम ये चली रहा है। तो ई की पावर में अगर हम यहाँ पर ई ए आर टी को कॉमन ले लें प्लस आर टी, तो क्या बचेगा, डेल्टा एन जी हैशटैग माइनस वन बचेगा, ठीक है। और डिवाइड में आर टी भी तो चल रहा है ना यहाँ पे, ये डिवाइड में आर टी भी तो है यहाँ पे, तो इसके पूरे डिवाइड में आर टी भी है और ई की पावर डेल्टा एस हैशटैग बाय आर भी चल रहा है, ठीक है। अब आर टी को हम अलग अलग ले लें और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, डेल्टा एन जी हैशटैग माइनस वन ये आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वन माइनस डेल्टा एन जी हैशटैग आ जाएगा, ई की पावर में इसको हमने कर दिया क्योंकि पावर ऐड हो जाती है ना, तो इसलिए हमने ई की पावर को दो बार डिवाइड करके लिख दिया, ई की पावर डेल्टा एस हैशटैग बाय आर, ठीक है, ये आएगा। इसको हम फाइनली अगर लिखें, फाइनली जो हमारा आया है वो क्या आया है, e टू द पावर, पहले यही वाली टर्म लिख लें, वन माइनस डेल्टा एन जी हैशटैग ये वाला और e टू द पावर डेल्टा s हैशटैग बाय r एंड e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आ गया है आपका फाइनल आंसर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। आपको डेल्टा एस दे दिया जाएगा, ई ए दे दिया जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर दे दिया जाएगा, आपको डेल्टा एन जी हैशटैग नहीं भी देंगे तो इक्वेशन दे देंगे, आपको खुद निकालना आना चाहिए क्या होता है वो, तो ये आपको दिया जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आयरिंग इक्वेशन वाला भी और ये वाला फॉर्मूला भी, और बीच में आपने जो दो तीन वो पढ़े हैं ना डेल्टा एच हैशटैग का और डेल्टा ई हैशटैग का, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ना हम क्या कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, अगर हम इसको आर्हीनियस इक्वेशन से कंपेयर कर दें, तो के आर, ये वाला के आर है और इसको भी आप के आर ही मान लो, रेट कॉन्स्टेंट, इसको के आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और नहीं करना चाह रहे हो, कन्फ्यूज़न है तो इसको सिर्फ के लिख लो, तो ये दोनों आपस में इक्वली तो हैं, तो कंपेरिजन करके क्या आएगा, ए इज इक्वल टू किसके आएगा, के वी टी बाय एच ई टू द पावर वन माइनस डेल्टा एन जी हैशटैग ई टू द पावर डेल्टा एस हैशटैग बाय आर, क्योंकि ये ई ए वाला स्टेप तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया कंपेयर करके, ठीक है, तो इतना आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको रेट पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर बाई चांस आपको दे दें कि फ्रीक्वेंसी फैक्टर फाइंड आउट करो, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फाइंड आउट करो, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं लेना है, तब आपको ये वाला स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, तब आपको ये वाली टर्म को लेना ही नहीं है उसमें।
तो इस तरीके से होता है आपका ये एक्टिवेशन एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी का, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ई की पावर में कुछ आएगा तो ई की पावर को सोल्व करना जो है आप कैलकुलेटर से ही सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए गेट एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो आप वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है इसलिए उससे सोल्व करके निकाल देते हो। नेट एग्ज़ाम में क्या होता है आपका, कभी कभी दे भी देते हैं कैलकुलेटर, कभी नहीं भी होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना होता है, हमें ई की वैल्यू को या तो दे के रखेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, या फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी वैल्यूज, आप इजीली निकाल सकते हो उनको, ठीक है। तो ई की वैल्यू के लिए आपको अलग से सेपरेट दिया होगा कि हाँ ये होता है इसका आंसर, या फिर कैलकुलेटर अलाउड होगा तभी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इसलिए ये गेट में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पार्ट शुरू करने वाले हैं। एक और इक्वेशन है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेट एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, आती है हमेशा। माइकलिस मेंटन इक्वेशन ये होती है। अब ये कैसे होती है, देखो इसको ना हम लिनवेन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी उसी से कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग होता है इसमें कुछ। तो उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो कि आपके पास मान लो कि ये एक एंजाइम साइट्स दी हुई हैं आपको, ये ना पूरा का पूरा एक सरफेस है, उस सरफेस पे आपको ना ये सारी एंजाइम साइट्स दी हुई हैं, ठीक है। अब हमारा कोई सबस्ट्रेट होगा, कोई सबस्ट्रेट एस, कोई सबस्ट्रेट एस जो इन पे आके ऑक्यूपाई हो जाएगा, ई यहाँ पे आ गया, मान लो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी तो कहीं भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी टोटल एंजाइम साइट्स है ना, टोटल एंजाइम साइट्स जो होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, हमारी वैकेंट साइट्स प्लस ऑक्यूपाइड साइट्स की, वैकेंट साइट्स प्लस ऑक्यूपाइड साइट्स। और जो हमारी टोटल एंजाइम साइट्स हैं उनको मान लो कि वो ई नॉट होती हैं, वैकेंट कितनी है हमारी, जो सिर्फ ई रह जाएंगी वो वैकेंट होंगी, और जो ऑक्यूपाइड हो जाएंगी वो कौन से वाली होंगी, जब हमारा ई एस आ जाएगा, क्योंकि देखो ई तो पहले से था यहाँ पर, एंजाइम साइट तो पहले से थी, आगे सबस्ट्रेट ऐड ही तो हुआ है, तो ये हमारा ई एस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यही हमने लिखा कि ऑक्यूपाइड साइट जो है वो ई एस है हमारी, और वैकेंट साइट हमारी ई है, और ये ई नोट है। ये वाली इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इससे इक्वेशन आ गई हमारी। तो ये वाली इक्वेशन इम्पोर्टेंट होती है, इसको याद रखना, टोटल एंजाइम साइट, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन में इसको किसी और से रिप्रेजेंट कर दें, टोटल एंजाइम साइट कुछ और दे दें आपको, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एंजाइम साइट्स जो टोटल है ना वो हमारी वैकेंट और ऑक्यूपाइड दोनों के सम के इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। इतना पार्ट तो कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, देखो दो पॉसिबिलिटी होंगी हमारा यहाँ पर। एक बार तो एंजाइम से सबस्ट्रेट ऐड हो गए, हमारा बना दिया इसने एंजाइम वाला सबस्ट्रेट। अब यहाँ से ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्रोडक्ट बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वापस आ जाए, ठीक है। इसीलिए इसको इक्विलिब्रियम में दिखाया गया है कि या तो हो सकता है कि ये ई एस में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है कि ई एस से फिर दोबारा वापस ये हमारा ई प्लस एस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा हमने पढ़ा था लिनमैन थ्योरी में भी, वहाँ पर भी डीकम्पोजिशन और डीएक्टिवेशन दो पार्ट हो रहे थे, तो यहाँ भी सेम वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये वापस आ रहा है तो ये डीएक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पर ये डीकम्पोज हो गया, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी ऐड होंगी, डीएक्टिवेशन वाली और डीकम्पोजिशन वाली। तो यहाँ पर जो होगा ना, अच्छा देखो P प्लस तो P तो हो जाएगा, साथ में E भी रहेगा क्योंकि एंजाइम साइट तो रहेगी ना, भले ही प्रोडक्ट हमारा बन चुका है लेकिन एंजाइम साइट तो रहेगी, प्रोडक्ट ही तो मिला है सिर्फ हमें ES से, एंजाइम साइट तो साथ में रहेगी। तो ये इस तरीके से P प्लस E आ जाएगा। तो अब कुल मिलाकर हम यहाँ पर अगर देखना चाहें कि हुआ क्या है इन सब से, तो ये देखो
ये जो हमने अभी किया इसी को लिखते हैं e प्लस एस, इसका मान लो के वन है और इसका के इनवर्स है रेट कांस्टेंट, यहाँ से ई एस और फिर ये ई एस से कन्वर्ट हो गया हमारा के टू पी प्लस ई में, ठीक है ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाला जो स्टेप है इक्विलिब्रियम वाला ये तो फास्ट होता है, तो हमारा तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो वाला होता है, ये तो नहीं हो सकता, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा हुआ, ये वाला, तो रेट हम लिख लेते हैं के टू ई एस के इक्वल। अब ई एस यहाँ पर है इंटरमीडिएट, तो इसमें लगाना पड़ेगा हमें एस एस से, तो ऑन अप्लाइंग एस एस से ऑन ई एस, तो अब ई एस वाले पे हमें एस एस से लगाना पड़ेगा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, यानी कि रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ ई एस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई एस। अब रेट ऑफ डीफॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो ई एस जो है हमारा कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है और कहाँ डिफॉर्म हो रहा है, तो पहले फॉर्मेशन का रेट लिख लें, तो फॉर्म तो इस स्टेप में हो रहा है जब के वन है हमारा, तो के वन ई एस इस वाले पार्ट में तो हमारा ये फॉर्म हो रहा है, और डिक्रीज कहाँ कहाँ हो रहा है, जब ये इधर से इधर जा रहा है, तो के वर्स ई एस प्लस एक इस वाले स्टेप में के टू ई एस, ठीक है। अभी हमने एक इक्वेशन देखी थी कि ई नॉट इज इक्वल टू है हमारा ई एस प्लस ई के इक्वल, ठीक है, टोटल साइड्स हमारी किसके इक्वल है, ऑक्यूपाइड प्लस वैकेंट के इक्वल, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला याद है ना, ये वाली लाइन, तो यहाँ पे हम इस ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी ई नॉट माइनस ई एस, इस ई की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, तो के वन यहाँ पे आ जाएगा ई नॉट माइनस ई एस, और ये बाहर एस पहले से है, इज इक्वल टू यहाँ से ई एस कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या के इनवर्स प्लस के टू। अब यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के वन ई नॉट एस माइनस के वन ई एस, एस इज इक्वल टू ई एस के वन प्लस के टू के इनवर्स प्लस के टू। देखो हो कुछ नहीं रहा है इसमें, बिल्कुल इजी स्टेप हैं सारे के सारे, इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट की जा रही हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट हो रही हैं अभी तक। तो यहाँ पर e नॉट s ये तो अलग हो गया, लेकिन ये ई एस और ये ई एस तो एक तरफ आने चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं इसको उधर ले जाते हैं प्लस में, तो ऐसा करने से यहाँ से ई एस को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचने वाला है इसमें यहाँ पर के वन एस प्लस के इनवर्स प्लस के टू, ठीक है, यहाँ से के वन ई नॉट एस ये आ गया। अब हमें ई एस की वैल्यू चाहिए, हमें तो ई एस की वैल्यू चाहिए थी जो हम यहाँ पुट कर सकें, तो वही हम करेंगे अब, तो इस ई एस की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगी, तो इस ई एस को तो एज इट इज़ रहने दो, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, के वन डिवाइड बाय के वन एस प्लस के इनवर्स प्लस के टू, राइट, तो अब के वन से डिवाइड कर सकते हैं हम, देखो के वन से अगर हम ऊपर नीचे दोनों साइड डिवाइड कर दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पर बचेगा हमारा के वन, तो इसको लिख लेते हैं एक बार, इसको लिख लेते हैं, के वन तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ई नॉट एस डिवाइड बाय एस प्लस के इनवर्स प्लस के टू डिवाइड बाय के वन, ये जो पूरी टर्म होती है ना ये हमारी के एम के इक्वल होती है, यानी माइकलिस मेंटन इक्वेशन के इक्वल होती है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के इक्वल होती है, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा ये पूरा ई एस ओ आ गया। अब इस ई एस की वैल्यू को हमें पुट करना है इस रेट में, तो इसमें पुट कर दो फटाफट, तो अब यहाँ से रेट क्या आ जाएगा हमारा, इसको आप आर से रिप्रेजेंट कर दो,
चाहे किसी से भी कर दो, के टू ई एस की जगह क्या आ जाएगा हमारा, ई नॉट एस अपॉन एस प्लस के एम, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो ये आया हमारा रेट, ये होती है रेट की इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों में थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ तक भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है कि आपका के एम ना दिया हो, सिर्फ आपको के इनवर्स की के टू के वन की टर्म्स में दिया हो तो भी सही है, तो भी हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन भी सही है। लेकिन अब एक और इक्वेशन आएगी जब हमारा आर जो है आर मैक्सिमम हो जाए। अब क्या हो सकता है, देखो हमारी जो भी साइट्स हैं, अब हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आए, एक ऐसा टाइम आए जिस पे वो सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएं, सारी एंजाइम साइट्स ऑक्यूपाई अगर हो जाएंगी तो वैकेंट तो एक भी नहीं बचेगी। अब अगर वैकेंट ही ज़ीरो हो जाएंगी तो हमारा जो ई नोट हमने निकाला था टोटल एंजाइम साइट वो किसके इक्वल थी, वैकेंट प्लस ऑक्यूपाइड की, तो वैकेंट वाली चीज़ तो ज़ीरो के इक्वल हो गई, तो बची सिर्फ ऑक्यूपाइड वाली यानी सिर्फ ई एस वाली बची, तो ई नोट तो ई एस के इक्वल हो गया। जब ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना, जब ई नोट हमारा ई एस के इक्वल हो जाएगा, तब हमारा जो रेट है, अभी हमने निकाला था ना के टू ई एस, तो तब हमारा रेट जो है ना, ये वाला रेट, ये मैक्सिमम हो जाता है। तो ये आर जो है रेट हमारा मैक्सिमम हो जाता है और ये इस इक्वल हो जाता है के टू ई नोट के। ठीक है, तो यहाँ से इस के टू ई नोट की वैल्यू आ गई आर मैक्स। ये होता है आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये होती है हमारी एक और इक्वेशन, ये हमारी आरमैक्स की टर्म्स में है। तो क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है वो आप देख लेना, कराएंगे क्वेश्चन, उससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल तो ये हुई हैं इसकी सारी इक्वेशंस। अब यहाँ पे ना कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं, हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करने हैं इस वाली इक्वेशन से रिलेटेड। मान लो कि हमें R वर्सेस S का ग्राफ दे दिया जाए, R वर्सेस S दे दिया कि रेट वर्सेस S का ग्राफ बताओ, तो कैसे बताओगे? इसमें देखो S यहाँ पर भी है, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस S को हम इसके साथ में कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये तो प्लस में है किसी के साथ, तो यहाँ हमें दो केस लेने पड़ेंगे, केस वन एंड केस टू। एक केस तो ये है कि जब हमारा KM जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किससे, S से, और एक केस ये है जिसमें जो S है वो बहुत बड़ा है KM से, तो एक को नेगलेक्ट कर सकते हैं हम। तो जब KM बड़ा है तो हम S को नेगलेक्ट कर दें इस वाले केस में, तो क्या आएगा, R इज़ इक्वल टू आर मैक्स एस अपोन, S को नेगलेक्ट कर दिया तो सिर्फ KM बचेगा, तो ये आ जाएगा। तो जब हमारा ये आएगा, अब हम R वर्सेस S कर सकते हैं ईजिली, तो यहाँ से हमारी ये वाली इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बन रही है, तो यहाँ से जो स्लोप आएगी अब वो r मैक्स अपॉन के एम आ जाएगी। ठीक है, अगर r वर्सेस s प्लॉट करें। अब दूसरा केस है जब हमारा ये s ज़्यादा हो जाएगा, तो इस बार हमें के एम को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, के एम को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ s बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू r मैक्स बचेगा। अब क्योंकि यहाँ पर s वाली टर्म तो है ही नहीं, ज़ीरो है ये, तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, x जो है कोई भी स्लोप यहाँ पर नहीं होगा, हमारी स्लोप जो है वो ज़ीरो है। इस तरह का ग्राफ हमने एक जब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी उनमें भी देखा था। ठीक है ना, तो इसको कोई दोबारा बताने की नीड नहीं है, आप एक बार उसी को जाके चेक करना, क्योंकि यहाँ पर देखो ज़ीरो हो रहा है ना, ये वाली टर्म है ही नहीं एस वाली, अगर एस वाली टर्म नहीं है दैट मीन्स ये मान लो कि यहाँ ज़ीरो है, तो स्लोप भी ज़ीरो है, यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है इसका इससे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ग्राफ। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर देखो तो यहाँ पर तो ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर कोई डिपेंडेंस है ही नहीं, तो ये ज़ीरो ऑर्डर हो गया, तो ये ग्राफ होता भी ज़ीरो ऑर्डर के लिए है, ये फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो आपके R वर्सेस S हो गया ग्राफ। अब इसमें दो ग्राफ और हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दो ग्राफ और इम्पोर्टेंट हैं इसमें, उनको हम लिखते हैं। देखो एक होता है लाइन वीवर बर्क प्लॉट,
लैंड वीवर बर्ड प्लॉट क्या होता है, ये किसके वर्सेस होता है, ये होता है 1/r वर्सेस 1/s के, ठीक है। अब ये कैसे याद रहता है कि लाइन वीवर बर्ड प्लॉट जो है हमारा सिर्फ यही वाला होगा उसमें, कभी कभी ना आपको डायरेक्टली ये दे देंगे कि लाइन वीवर बर्ड प्लॉट निकालो इसका। तो लाइन वीवर बर्ड प्लॉट में हमारा क्या होता है, कभी कभी ना क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से आ जाता है कि लाइन वीवर बर्ड प्लॉट निकालो, क्या होगा लाइन वीवर बर्ड प्लॉट ग्राफ कैसे आएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लाइन वीवर बर्ड प्लॉट में हम किस किस के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अगर हमें पता है कि 1/r वर्सेस 1/s करते हैं तो ही हम उसको निकाल पाएंगे, नहीं तो हमें कैसे पता कि किसके वर्सेस निकालना है। तो कैसे याद रहने वाला है आपको कि कैसे होगा लाइन वीवर बर्ड प्लॉट, तो वो हमारा 1/r वर्सेस 1/s होता है। इसके कैसे ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे हम इस ट्रिक को कि ये कैसे होता है, तो ये याद रखो कि यहाँ पे लाइन है ना, लाइन वर्ड आया है, तो यानी यहाँ पे दो लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, दो लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा और तब हमें इसे 1/r वर्सेस 1/s करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी दो लाइन बनानी है हमें, तो बस दो लाइन से याद आ जाएगा आपको, जैसे ही लाइन वर्ड याद आ गया ना तो यानी कि दोनों ऊपर लाइन है, तो यानी 1/r वर्सेस 1/s ही प्लॉट होगा आपका, ठीक है ना। तो इसके बेस पे आप इसको निकाल दोगे। अब इसको बनाएंगे कैसे हम देखो, जो हमारा अभी इक्वेशन थी r इज इक्वल टू आर मैक्स एस अपॉन एस प्लस के एम, इसको हमें बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसे रेसिप्रोकल कर दें, 1/r एस प्लस के एम आर मैक्स एस, ठीक है, इन दोनों को अलग अलग लेके चले जाएं दोनों के नीचे, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/s आ गया और यहाँ 1/r भी आ गया, तो हमें जो चाहिए था वो आ गया ना, मिल गया ये वाली चीज़ हमें। तो बस हमें एक बार यही इक्वेशन बनानी थी, तो अगर एक बार हमारी ये इक्वेशन बन जाए तो फिर इजी है करना। तो यहाँ पे 1/r वर्सेस 1/s का अगर हम प्लॉट करते हैं तो एक तो हमारा स्लोप आएगा, तो ये हमारा y है, ये वाली हमारी mx है, x क्या है यहाँ पर 1/s, y है ये, तो m क्या बचा हमारे पास, ये, और हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू भी है इस बार, तो इंटरसेप्ट कितना है 1/rmax, और ये है हमारी स्लोप km/rmax। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ना इस टाइप से आ जाते हैं कि आपको लाइन वीवर बर्क प्लॉट में ना बनाना है और फिर आपको उसमें स्लोप निकालनी है, इंटरसेप्ट बतानी है क्या होगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनमें से km/rmax की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये होता है आपका लाइन वीवर बर्क प्लॉट। अब एक प्लॉट और होता है इसमें, एडी हॉफ स्ट्री प्लॉट, एडी हॉफ स्ट्री प्लॉट। अब ये क्या होता है देखो, आर अपॉन एस वर्सेस आर, अगर आपको पता है कि ये कर सकते हो आप तो ही इसको कर पाओगे, अगर ये पता है कि इसके वर्सेस होना है तो, ठीक है। ये आपका शुरू में होना चाहिए, मतलब इस साइड वाई पे आपका ये होना चाहिए आर अपॉन एस वाली टर्म, और इधर होना चाहिए आर, अगर आपको ये पता है तो ही आप इसको कर पाओगे। तो ये कैसे करोगे आप, ये तब हो सकता है अगर आपका ये, अगर हम इसको आर अपॉन एस को इधर ले आएँ, एस को इसके नीचे डिवाइड में ले आए, तो आर अपॉन एस तो मिल जाएगा हमें, लेकिन आर मिल पाएगा क्या, नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आर की पहले तो इन दोनों को इधर ले जाओ, इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ये आएगा आर मैक्स एस। अब क्या कर सकते हैं हम, एस से डिवाइड कर दें इसको दोनों साइड, एस से एस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास आर के एम अपॉन एस इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं आर मैक्स माइनस आर, अब ये के एम भी उधर ले जाएं हम, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे आर अपॉन एस चाहिए, तो आर मैक्स अपॉन के एम माइनस आर अपॉन के एम, ठीक है।
तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन जाएगी, जहाँ पे आपका x क्या है, यहाँ पे r है, तो स्लोप कितना आ रहा है, माइनस वन अपॉन के एम, ठीक है, और इंटरसेप्ट कितना आ रहा है, ये r मैक्स अपॉन के एम, ये होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, आपका नेगेटिव स्लोप है ना, तो ये पॉजिटिव कैसे बन गया, यही तो हो जाती है गड़बड़ एग्ज़ाम में भी, कि आपका ये जो प्लॉट है ये तो माइनस वाला है, तो ये स्लोप तो चलो इसका ये तो ठीक है, इंटरसेप्ट इतना है, लेकिन इसका जो स्लोप है वो इस बार नेगेटिव हो गया है, तो माइनस वन अपॉन के एम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका एडी होफ्स्टी प्लॉट। तो हमने देख लिया आइडी होफ्स्टी प्लॉट क्या होता है, लाइनवीवर बर्क क्या होता है, इस तरीके से हमारा कोई भी ग्राफ आता है तो हम उसको कन्वर्ट करके किसी ना किसी तरीके से कर लेते हैं, बट उससे पहले आपको उसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, इन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं नेट एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आगे हम इसके क्वेश्चन भी करने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो फिलहाल तो ये कम्प्लीट होता है आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।